दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। ये पंक्तियां गांधी के संघर्ष को बखूबी दर्शाती है, कैसे उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने दांडी मार्च निकाला, कैसे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को जनता के दिलों तक पहुंचाया और कैसे उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार आदि सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। आज उनकी जयंती के अवसर पर अलाइव 24 उनके जीवन को इस छोटी सी वीडियो में दर्शाने की कोशिश करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूरी करने के बाद वे राजकोट से मैट्रिक परीक्षा पास करके वकालत करने इंग्लैंड चले गए। एक मुकदमे के दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देख वे बड़े दुखी हुए। इसी के बाद उनमें राष्ट्रीय भावना जागी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। गांधी जी के आदेशों एवं सत्य के सम्मुख अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वे भारत छोड़कर चले गए। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने अछूतों का भी उद्धार किया, उन्हें हरिजन नाम दिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया, सूत काटने, सब धर्मों को आदर से देखने और सत्य अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। भारत पाकिस्तान विभाजन का उन्हें बहुत दुख पहुंचा। 30 जनवरी 1948 को उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और वे हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके आदर्श सिद्धांत हमें सदैव याद रहेंगे, उनका नाम अमर रहेगा। ऐसी ही खास स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।